हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी बात खुद ही मीडिया में घटे कुछ किस्सों की करते हैं। शुरुआत देश की बड़ी समस्या से करते हैं। देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे मीडिया का ध्यान देश में चल रही समस्याओं पर कम और पड़ोसी देश में क्या चल रहा है इस पर ज्यादा रहता है। तभी तो ज्यादातर डिबेट्स अफगानिस्तान पर हो रही हैं। खैर, ज़ीनियस ने अपने चैनल पर महंगाई पर बात की, लेकिन बात भारत की नहीं हुई बल्कि अफगानिस्तान में बढ़ती महंगाई पर चिंता जताई गई। तालिबान राज में कंगाल अफगानिस्तान, तालिबान कैसे रोकेगा महंगाई बेशुमार। अफगानिस्तान की जनता ने पहले युद्ध झेला, अब महंगाई के मोर्चे पर बड़ी लड़ाई लड़ रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानी नागरिकों के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई की खड़ी हो गई है। अफगानिस्तान में आम जरूरत की चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। हालात ये हैं कि लोगों के लिए आटा, चावल, सब्जी और पेट्रोल खरीदना जेब पर भारी पड़ रहा है। दरअसल इसके पीछे वजह है महंगाई। काबुल में जरूरी चीजों के दाम 75% तक महंगे हो गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ न्यूज 18 पर एंकर श्रीलंका में बढ़ती महंगाई पर बात करता नजर आया। पड़ोसी देश श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की कमर इतनी बुरी तरह टूट गई है कि वहां के राष्ट्रपति गोटाबाय राजपक्ष को अपने यहां आर्थिक इमरजेंसी लगानी पड़ गई। मतलब ये कि अब वहां सरकार खाने पीने की जो जरूरी चीजें हैं जैसे चावल, चीनी वगैरह, उनका स्टॉक व्यापारियों से अपने कब्जे में ले लेगी, उनकी एक कीमत तय कर देगी और उनकी सप्लाई भी खुद करेगी। इससे एक तो जमाखोरी नहीं होगी और दूसरा कम कीमत पर लोगों को ये जरूरी चीजें मिल पाएंगी। इस काम के लिए सरकार ने एक पूर्व आर्मी जनरल को भी नियुक्त कर दिया है। लेकिन श्रीलंका को ये करना क्यों पड़ा? तो ऐसी नौबत इसलिए आई क्योंकि श्रीलंका में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खाने पीने की चीज़ों की कीमत आसमान छूने लगी है। चीनी, आलू, प्याज, तेल, हर चीज़ के भाव बढ़ रहे हैं। हाल ही में LPG सिलेंडर के दाम 25 रुपये बढ़े हैं। इस पर मीडिया सरकार से सवाल करने के बजाय सरकार का ही बचाव करता नजर आ रहा है। टाइम्स नाउ पर अपने शो में एंकर सुशांत सिन्हा मोदी सरकार और UPA सरकार के कार्यकाल में सिलेंडर के दामों में डिफरेंस बताते दिखाई दिए। 2004 में सिलेंडर की कीमत थी 281 रुपये, एक सिलेंडर की कीमत, और 1 मई 2014 जब तक सरकार रही UPA की, तब कीमत कितनी थी? 928 रुपये। क्योंकि राहुल गांधी बहुत कमाल से जो सब्सिडी वाला सिलेंडर है उसकी कीमत बता रहे। आज जब बात हो रही है तो ये नॉन सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत आपको बता रहा हूं हो गया, और ये बढ़त देखेंगे तो 197% की बढ़त है, 197% कीमत बढ़ी 10 साल के UPA राज में, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई से लेकर 2021 तक का हाल बताता हूं। 1 जून 2014 जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाल ली, उस वक्त कीमत कितनी थी? 905 रुपए एक सिलेंडर की, जिसमें की सब्सिडी नहीं मिल रहा। और 1 सितंबर 2021 यानी 859 रुपए 50 पैसे, और ये 7 साल में अगर आप देखेंगे तो 5% की कमी आई है। ट्विटर पर उन्होंने ये वीडियो शेयर की और जनता ने ट्विटर पर उन्हें काफी ट्रोल किया। एक यूजर ने लिखा, 12 सिलेंडर जो सब्सिडी के साथ मिलते थे उसके बारे में नहीं बताओगे, क्योंकि वो बताने पर तुम्हारे प्रोपेगेंडा की पोल खुल जाएगी। 2004 में 281 में जो मिलता था वो भी सब्सिडी के बाद ही मिलता था, तब सरकार कंपनी को सब्सिडी देती थी। आंकड़ों की बाजीगिरी और दलाली अब नहीं चलेगी। एक और यूजर ने लिखा, वाह लॉजिक ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है तब से हमारे देश के मीडिया में सारी खबरें अफगानिस्तान पर ही चल रही हैं। एक तरफ भारत तालिबान से बात कर रहा है और दूसरी तरफ मीडिया में किस तरह तालिबान और अमेरिका पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये देखिए, ये पीछे से ये तालिबानी, एक कहावत होती है लंगूर क्या जाने अंगूर का स्वाद, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये तालिबानी जो का खा गा नहीं लिख सकते, ABCD नहीं लिख सकते, कोई भाषा नहीं लिख सकते, वो देखो हेलीकॉप्टर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सच है जो पूरी दुनिया को देखना चाहिए और चाचा बाइडेन को देखना चाहिए कि ये पाकिस्तान के एयरफोर्स के सैनिक जो अलग यूनिफॉर्म पहन कर इन आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, और ये उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। चाचा बाइडेन देख लो, वॉशिंगटन में बैठे हैं आप, DC में, व्हाइट हाउस में बैठ के देख लीजिए, ये अमेरिका का चॉपर है। अक्सर हम बात करते हैं कि मीडिया में बिना फैक्ट चेक किए न्यूज प्रकाशित कर दी जाती है। रिपब्लिक भारत में एक शो चला अफगानिस्तान पर,
जिसमें तालिबानियों के चेहरे दिखाए गए। इसके एक हिस्से में मुल्ला उमर के बेटे का जिक्र है। भारत ऐसे हैवान है, मैं कहूँ तो कहूँ क्या, लेकिन देखते रहिए। अगला मुल्ला उमर का बेटा याकूब, याकूब मुल्ला उमर का बेटा है ये याकूब। तालिबान की हर आतंकी वारदात में हाथ कहीं ना कहीं इसका शामिल होता है। मुल्ला मोहम्मद याकूब नाम है इसका पूरा। ये भी एक और वैसा क्रूर चेहरा है, महिलाओं पर क्रूरता करने के लिए जाना जाता है ये व्यक्ति। अगले चेहरे की ओर बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। लेकिन जिसकी फोटो मीडिया ने यूज की वे भारत के बहुजन समाज पार्टी के नेता हाजी याकूब कुरैशी की है। अल्ट न्यूज ने अपनी जांच में इसका सच सामने लाया। 2 सितंबर 2021 को एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु हुई। मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, पर मीडिया ने इसमें मर्डर का शक पैदा करना शुरू कर दिया है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो गया है कि उनकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक ही था। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।